आज हो गई है 12 जनवरी की तारीख, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 854वां एपिसोड और दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर परोसने वाला हूँ। एंड तक वीडियो को देख रहा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने हर आईपीएल फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट दबाओ और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट से। तो दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से जो खबर, शायद ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरी घटना हुई थी उस दिन हमने बताई थी, वो अब गांगुली ने कन्फर्म कर दी। सौरव गांगुली जो कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है दिल्ली कैपिटल्स के, उन्होंने कह दिया है कि पंत नहीं खेलेंगे, हमने शुरुआत कर दी है नए कप्तान ढूंढने की। लगातार सवाल थे, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं रोज बोलता हूं कि भैया पंत नहीं आ रहे, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे सवाल थे, पूछा जा रहा था पंत कब आएंगे, पंत कब आएंगे। भैया एक साल नहीं आएंगे, गांगुली ने साफ कर दिया आईपीएल नहीं खेलेंगे, नया कप्तान या तो पृथ्वी शॉ होगा या फिर मोस्ट प्रोबेबली 100% ही मान लो डेविड वार्नर होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो अच्छी खबर आईसीसी के दफ्तर से आ गई है वुमेन्स आईपीएल के लिए। अगर आप मेन्स आईपीएल देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अप्रैल और मई की विंडो खाली रहती है, 60-70 दिन सिर्फ आईपीएल होता है और उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी मेंस बायलैटरल सीरीज नहीं होती, और ऐसा ही वुमेन्स आईपीएल के साथ आईसीसी करने वाला है। वुमेन्स आईपीएल को भी एक स्पेशल विंडो मिल सकती है और इस दौरान दुनिया का कोई भी वुमेन्स टूर्नामेंट या फिर वुमेन्स बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, और ये वुमेन्स आईपीएल के लिए सचमुच बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये इकलौती ऐसी लीग मिलेगी जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और इससे वुमेन्स क्रिकेट बहुत बूम करेगा। तो ये एक अच्छी खबर है, इसके लिए लाइक बनना चाहिए और हमारी महिला क्रिकेटर्स के लिए एक लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ऐसे 20 में एक नया नियम आ गया है और इस नए नियम को देखने के बाद मन हो रहा है जल्दी से आईपीएल में इस नियम को ले आओ। इस नियम के लिए एक लाइक अभी से कर दो क्योंकि बहुत अच्छा नियम है। टॉस के बाद कप्तान प्लेइंग 11 चुनेगा, ये ऐसे 20 का नियम है जिसके तहत अगर आप प्लेइंग 11 बताते हो टॉस पे, और अगर टॉस हो जाता है, टॉस के बाद भी जो आधे घंटे का समय मिलता है उस आधे घंटे के समय में कप्तान बदलाव कर सकता है और कितने भी बदलाव कर सकता है, विच इज वेरी गुड। क्योंकि भैया क्या होता है ना कि कई प्लेयर्स थोड़े से फिट हैं, कईयों की फिटनेस रिपोर्ट आ रही है नहीं आ रही है, कई प्लेयर्स पर कप्तान एन मौके पर फैसला लेना चाहता है, तो उसके लिए कैप्टन को समय देने के लिए आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा टॉस और मैच के बीच में, जो कप्तान है वो अपनी प्लेइंग 11 बदल सकता है। और आईपीएल में भी ये नियम आ जाए, ऐसे 20 में तो आ गया है। आगे बढ़ते हैं, और ये नियम अगर आप भी चाहते हैं ना आ जाओ तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर रहे हैं, तो ऐसे 20 से ही खबर है, मिनी आईपीएल चल रहा है, तड़ाके धड़ाके के साथ चल रहा है और मुंबई इंडियंस की टीम को खुश हो जाना चाहिए। अगर आप भी एमआई के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ब्रेविस और आर्चर खूब चले। पहला मैच जो हुआ एमआई सिटी और पाल्स रॉयल्स के बीच, उसमें ये दोनों खिलाड़ी खूब चले। स्पेशली जो अच्छी खबर है वो जोफ्रा आर्चर के हवाले से आ रही है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में बहुत सवाल उठे कि जोफ्रा आर्चर आएंगे आईपीएल, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और फील्ड पर दिख गए, तसल्ली हो गई। एमआई के फैंस के लिए सचमुच अच्छी खबर है, और बाकी क्रिकेट के भी अगर आप फैन हो, बाकी माफ कीजिए आईपीएल टीमों के भी अगर आप फैन हो तो उनके लिए शायद थोड़ी सी अच्छी खबर ना हो। कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी, कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट लिखो। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो सूर्यकुमार यादव के नाम लिखा चुका है एक और रिकॉर्ड, सचमुच देखने लायक है ये रिकॉर्ड और भारत के लिए बहुत शानदार पल। दरअसल T20 मेंस क्रिकेट में 900 अंक प्लेयर रेटिंग हासिल करने वाले इकलौते हिंदुस्तानी खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बन गए हैं, और ये हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स है किसी भी इंडियन प्लेयर के द्वारा। तो इस समय 900 से ज्यादा पॉइंट सूर्य यादव की T20 इंटरनेशनल प्लेयर बैट्समैन रैंकिंग में हो चुके हैं, और इस चीज के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से छठी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो श्रीलंका के हेड कोच ने बड़ी बात कह दी, एक बड़ा हिंट दे दिया जिसके बारे में मैं पहले से ही बोल रहा था, उस पर बड़ी बात कह रहे हैं आई एम श्योर फ्रेंचाइजी विल बी लुकिंग दशुन शनका की तरफ, टीमें देख रही होगी, ये मैं 100% लिख कर दे सकता हूं, ये बोल रहे हैं श्रीलंका के हेड कोच। अभी हमने पहला ओडीआई देखा, उसमें भी इनका शतक था, उससे पहले भी हमने देखा विस्फोट की तरह फूटे थे, और टीमें तो भैया मैं बोल रहा हूं ना जीव लपलपा रही है इनकी तरफ देख के टीमों की, क्योंकि जैसे ही पहली रिप्लेसमेंट किसी टीम को पड़ेगी जरूरत, सबकी निगाह दशुन शनका पर जाने वाली है, क्योंकि अब हिंदुस्तान में आके इंडिया की पिचों पर चल रहे हो और आईपीएल करीब है, इससे बड़ा सोने पे सुहागा क्या हो सकता है। थोड़ी सी कमी रह गई, ये सीरीज आईपीएल नीलामी से पहले होती ना
तो ये कुछ और तस्वीर होती, 6 करोड़ तक में भी शनका बिक जाते ना, तो बड़ी मुझे तो हैरानी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो एक दो नहीं, ना ही तीन चार, ना ही पांच छह, 16 अलग अलग शहर सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं आईपीएल की मेजबानी के। इस बार पूरा आईपीएल घर वापस आएगा, देश के एक एक कोने में आईपीएल के मैचेस होंगे, होम और अवे मैचेस की वापसी होगी कोरोना का सफाया होने के बाद। बड़े लेवल पर आईपीएल कराने की तैयारी में बीसीसीआई है, और इस बड़े लेवल पर आईपीएल की तैयारी 16 अलग अलग शहरों से होगी, क्योंकि देश के 16 अलग अलग शहरों में आईपीएल का मेला सजने वाला। नाम सुन लो, मोहाली, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, बंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, उसके अलावा इंदौर, पुणे, गुवाहाटी, वाइजग, कोची, कानपुर को भी रखा गया है स्टैंड बाय पर। मतलब इन 16 मैदान में से 10 कन्फर्म है, जो कि 10 टीमों के होम ग्राउंड्स बनेंगे। बाकी जो 6 मैदान मैंने बताए, इंदौर हो गया, पुणे हो गया, गुवाहाटी हो गया, कोची हो गया, उसके अलावा वाइजग और कानपुर हो गया, इनमें से 3 या 4 को सेलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल बीसीसीआई का प्लान है कि इन 16 शहरों में आईपीएल को कराया जाए, 10 कन्फर्म है, 4 नाम और कन्फर्म हो जाएंगे। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि किस शहर में आप चाहते हो भैया इस साल का आईपीएल हो जाए। कमेंट बॉक्स नीचे अपना फेवरेट शहर, अपने पास का बड़ा शहर लिखकर बता दो कमेंट बॉक्स में, जिसके लिए आप एक्साइट हो रहे हो। मैं तो खैर इन 16 नामों को ही देखकर एक्साइट हूँ, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम तरस गए हैं। ये पूरे देश में जो आईपीएल होता है, होम और अवे मैचेस का जो फॉर्मेट होता है, उसका मजा ही अलग है। उस फॉर्मेट के लिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो कर देना। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो एलबी मॉर्गन, जो कि असिस्टेंट कोच है जोबर्ग सुपर किंग्स के, कह रहे हैं कि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स सक्सेसफुल हुई है, उसी तरह से जेएसके सक्सेसफुल हो जाएगी। दरअसल जब से S20 शुरू हुआ है ना, ये जो पूरे साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स है वो आईपीएल जप रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये जो लीग है इसकी प्रासंगिकता आईपीएल से, इसकी जितनी टीमें सब आईपीएल जैसी है, इसका इसको मिनी आईपीएल बोलते हैं। और यही एलबी मॉर्गन बोल रहे हैं कि जिस तरह से चेन्नई सफल हुई भारत में, उसी तरह से हमारे साउथ अफ्रीका में जोहानसबर्ग जोबर्ग सुपर किंग सफल होगी। और ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का उदाहरण दे रहा है साउथ अफ्रीका में, विच इज, मैं तो कहता हूँ यार इसके लिए लाइक बनता है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं दोस्तों। तो स्मृति मंदाना ने वुमेन्स आईपीएल पर बड़ी बात कही, इनकी बात सुनने वाली होगी, क्योंकि शायद इस वुमेन्स आईपीएल की सबसे महंगी खिलाड़ी नीलामी में बन जाएंगी स्मृति मंदाना, क्योंकि नाम बहुत बड़े हैं, ब्रांड बहुत बड़ा है। कह रही है वुमेन्स आईपीएल विल हेल्प इंक्रीज बेंच स्ट्रेंथ, टीम इंडिया की वुमेन्स क्रिकेटर्स की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में वुमेन्स आईपीएल का बहुत अहम रोल रहेगा। जैसे हमने मेंस आईपीएल में देखा, जितने 11 खिलाड़ी है 22 खिलाड़ी बाहर बैठे हैं कि कब एंट्री हो जाए। एक जमाने में ऐसा होता नहीं था, लेकिन आईपीएल ने ऐसा कर देखा है, तो वुमेन्स आईपीएल वुमेन्स क्रिकेट में ऐसा करेगी, ये मंदाना का मानना है और मेरा भी। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों ऐसे बात करते हैं। तो आज बड़ा मैच होगा भारत लंका के सामने, बड़ी चुनौती बनेगा। दूसरा ओडीआई मैच है, कलकत्ते में मैच है, श्रीलंका के लिए ये डू ऑर डाई है, क्योंकि लंका को जीतना ही है मैच। इंडिया थोड़ा सा होगा कि यार इस मैच को जीतने के बाद सीरीज अपने नाम होगी, और मुझे पूरा भरोसा भारत जीतेगा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन दबाओ।